आज पोहे से ही बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और मजेदार सा नाश्ता कि इतना चटपटा, समोसे पकौड़ी कचौड़ी सब भूल जाएंगे इसके सामने। और इसके साथ में हम बनाने वाले हैं एक मजेदार सी चटनी। इस नाश्ते की खास बात है कि आप इसे हफ्ते भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग रिपीट। तो चलिए तैयार करते हैं इस नाश्ते को। तो इसे हम बना रहे हैं पोहे से। तो एक कप पोहा मैंने यहाँ पर लिया है, आप क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। और पोहा ना दो तीन तरीके का आता है, तो कोई भी पोहा इसके लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पोहे को अच्छे से धो लेंगे। तो 3 से 4 बार अच्छे से पानी से हम इसे धो लें, जब तक साफ पानी इसमें नहीं आ जाता। तो इसे हम धो लेते हैं। और पोहे को मैंने यहाँ पर 3-4 बार धो लिया है। और देखिए, अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसमें छोड़ा है, करीब 1 से 2 चम्मच पानी। अब बस इसी पानी के अंदर हम इसे 10 मिनट के लिए रहने देंगे, ढककर रख देंगे। इसके बाद में ये पानी सोख लेगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब हम तैयार करते हैं एक चटनी। तो यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, और मैंने जो इसकी स्टेम्स होती है ना, डंडियां, उसके साथ ही लिया है। तो धनिया को अच्छे से धो लें। साथ में लिया है थोड़ा सा पुदीना। माने अगर हमने 100 ग्राम हरा धनिया लिया है तो हमने 50 ग्राम लिया है पुदीना। साथ में हम डाल रहे हैं इसमें 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। 1/4 चम्मच डालेंगे जीरा, स्वाद अनुसार डालें नमक, और 1 चम्मच डालेंगे नींबू का रस। अब डालें इसमें थोड़ा सा पानी। इसके बाद अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और पेस्ट तैयार कर लें। देखिए, हमारी चटनी तो बनकर तैयार हो गई है। हमने इसे बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा टैंगी टेस्ट देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच दही। तो बस दही को मिक्स कर लेते हैं। और देखिए, हमारी मजेदार सी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। और अब इस नाश्ते को बनाने के लिए ना, हम इसके लिए एक तड़का तैयार करने वाले हैं। तो मैंने एक तड़का पैन रखा है और 2 चम्मच डालेंगे उसमें ऑयल। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच, और साथ ही हम डालेंगे इसमें अदरक। और देखिए, यहाँ पर मैंने 4-5 करी पत्ते लिए हैं, और इस तरह से हम उसको तोड़ कर डालेंगे। तो इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे नाश्ते में। सभी चीजें अच्छी तरह से भून लेंगे, और भूनने के बाद हमारा जो तड़का है, देखिए, तैयार हो चुका है। बस अब हम पोहे को भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर पोहा देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और ड्राई हो चुका है। देखिए कितना खिला खिला है ना, बस हमें ऐसा ही चाहिए। और इसे थोड़ा सा मैश करके देख लेंगे कि देखिए पूरी तरह से अच्छे से मैश भी हो रहा है। तो इसी तरीके का पोहा हमें चाहिए। अब यहाँ पर एक बॉयल आलू लिया है, उबला हुआ आलू, और अच्छी तरह से उसको मैश कर लिया है। आलू को ठंडा कर लेंगे और उसके बाद उसे मैश करके पोहे में मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ में बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर बेसन का यूज कर रहे हैं। तो 2 से 3 चम्मच बेसन अभी हम इसमें डाल रहे हैं और इसको हम मिक्स करेंगे। बेसन कम या ज्यादा भी हो सकता है, ये पोहे की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। अगर पोहे में मॉइस्चर ज्यादा है तो बेसन की ज्यादा लग सकता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार डालें नमक, 1 छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं यहाँ पर अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं। अब जो हमने अभी तड़का तैयार किया था वो भी हम इस पोहे के मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। तो बस सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक आटे की तरह, डो की तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, ये बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। या आपको बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हमने आटे की तरह से इसको तैयार कर लिया है। तो हमारा जो डो है पोहे का वो तैयार हो गया है। हाथ पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, और अब इसमें से छोटे से नींबू के आकार की बॉल लेंगे। अच्छे से हम उसे बाइंड कर लेंगे पहले हाथ से, और फिर हम उसे अपनी नाश्ते को शेप देंगे। तो देखिये, मैं इस तरह से यहाँ पर उसे हाथ से फ्लैट करते हुए बना रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा हम इसे एक सार कर लेंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में बना सकते हैं, या इस तरह से फ्लैट आप इसके फिंगर्स भी तैयार कर सकते हैं।
तो आप अपनी मनपसंद शेप में इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से फ्लैट इसकी फिंगर्स तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही इस तरह से क्रिस्पी भी बनेंगी और एक अलग तरीके का नाश्ता बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से अब सारी अपने पोहा फिंगर्स तैयार कर लेते हैं, जो बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनेंगे और इसका ना टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अलग है। साथ ही आप इसे ना 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीजर में। तो मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे स्टोर करना है, इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। तो देखिए हाथ पर इसी तरह से आप इसे फ्लैट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही क्रिस्पी चटपटा मजेदार सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही आप इसे एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको डीप फ्राई करूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पोहा फिंगर्स बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। अपना इसी को एयरटाइट डब्बे में भरकर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं हफ्ते से 10 दिन तक। जब भी आपका मन हो आप इसे फ्राई करें या एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, तो ऑयल को मैंने मीडियम हीट पर गर्म किया है। तो अब हम इसमें मीडियम हीट पर गर्म करने के बाद अपने जो ये पोहा फिंगर्स हैं ऑयल में छोड़ देंगे और इसे तब तक टच नहीं करेंगे जब तक ये ऊपर की तरफ तैरकर तेल में नहीं आ जाती है। तो देखिए अब हम इसे फ्राई होने देंगे और जब ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे तब हम इसे पलट लेंगे। तो हल्के हल्के हाथ से पलटे, क्योंकि जब हम इसे ऑयल में समय डालते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और धीरे धीरे से जब इसमें कलर आता है तो अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाती है। तो देखिए थोड़े थोड़े से फिंगर्स इस पे फूलने भी लगे हैं और बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट इसमें आता है। फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये नई सी रेसिपी कैसी लगी। तो जब भी कभी भी मन होता है, बारिश है, शाम की चाय है या फिर बच्चों को टिफिन में देने के लिए भी ये बहुत अच्छा नाश्ता है। तो देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। तो बस अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। क्रिस्पी एकदम बहुत ही अलग टेस्ट इसका आता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सभी नाश्ते को तैयार कर लिया और कितना मजेदार लग रहा है, एकदम गर्मा गर्म नाश्ता जब आप चाय के साथ लेंगे ना और साथ में खाएंगे मजेदार सी चटनी जो बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है ना, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट है और साथ में ये चटनी के साथ ना इसका मजा डबल हो जाता है। तो बस आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर भी बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।